तो मामला कुछ ऐसे है कि कल है मेरे लिए बहुत बड़ा दिन, मैंने एक मीटअप अरेंज किया और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बंदे मुझसे मिलने आते हैं, कितने चाहने वाले हैं। तो ये कहानी है मेरे पहले मीटअप की। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपना मीटअप खुद अरेंज करूँगा, लेकिन आप लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कमेंट्स में कि साथ भाई आपसे मिलना है, तो मैंने अपना मीटअप अरेंज किया। और कहानी किस तरह शुरू होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये मीटअप कोई आम मीटअप नहीं था, ये मीटअप एक प्रॉपर मीटअप था जिसमें जो मुझे इज्जत दी गई थी मेरे चाहने वालों की तरफ से वो मुझे लौटानी थी। तो ये सिर्फ कोई एक सेलिब्रिटी फैन मोमेंट नहीं था, बल्कि मेरा अपने चाहने वालों के साथ इंटरेक्शन मोमेंट था। उसी सिलसिले में मैं लाहौर जा रहा हूँ फिल वक्त, तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर जो कि पीछे बैठा है अरशद साहब, वो मेरे साथ जा रहे हैं। और मीटअप की जगह चूज़ करने के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, तो मेरे एक फॉलोअर ने मुझे बताया एक कैफ़े के बारे में। तो लाहौर पहुंचते ही मैं उसके मैनेजर से मिला, क्योंकि मुझे अपने चाहने वालों को चाय पानी भी देना था। मेरी उससे डील हो गई और हमने चाय पानी का बंदोबस्त भी कर लिया। तो मामला कुछ ऐसे हैं कि तमाम मामला तय पा चुके हुए हैं, मैंने कैफ़े वाले से बात कर ली थी कितने बंदों का अरेंज करना है, और वो सब मामला हल हो चुके हुए हैं। अब सिर्फ एक काम रहता है और वो है मैंने तैयार होना है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैंने वहाँ पर जाना है तकरीबन 5:30 बजे, तो काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और थोड़ा खुश भी हूँ, क्योंकि मुझे आज पता लगेगा कि भाई मेरे फॉलोअर्स हकीकी फॉलोअर्स कौन से हैं। हकीकी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि कौन लोग मुझे एक्चुअल में पसंद करते हैं और मुझसे मिलने के लिए आते हैं। तो इट्स अ बिग डे फॉर मी। पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके लिए बड़ा दिन हो और आप आसानी से कपड़े पहनने के लिए चूज़ कर सके, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। काफ़ी देर के बाद मैंने सोचा कि मैं लेपर्ड प्रिंट शर्ट पहनूंगा, और तकरीबन आधा घंटा खपने के बाद मैंने सोचा कि मैं पहनूंगा एक वेस्ट, उसके ऊपर लेपर्ड प्रिंट शर्ट, और नीचे पहनूंगा मैं अपने फेवरेट जूते। ले जी, आपका भाई पूरा तैयार हो चुका हुआ है, और अब हम रुक कर रहे हैं उस जगह का जहाँ पे हमने मीटअप रखा हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अ बिट नर्वस, और मुझे नहीं पता कितने बंदे आएंगे आज, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं इज्जत बचती है या नहीं बचती। तो भाई कैसे हैं? ठीक है भाई, बहुत खुशी हुई। सबसे पहले बंदे आप हैं हमारी सपोर्टर्स की लिस्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह। आए हैं कोई बंदे? हाँ, कुछ लोग आए हैं। कुछ लोग आए हुए हैं। ले जी, ये हैं जी अरशद भाई, और अरशद भाई ने सारा अरेंजमेंट किया और संभाला है, और ये आज के मैनेजर भी हैं और सबसे बड़े सपोर्टर भी हैं, तो इनके लिए ढेर सारा प्यार है। और अब हम थोड़ी देर में अंदर जाते हैं। ये देखिए जी, ये कुछ बंदे खड़े हैं, ये बाहर खड़े होकर अभी वेट कर रहे हैं, ये मेरी स्टोरीज बना रहे हैं। 4 बंदे ये लोग वेट कर रहे हैं मेरा। और ठीक 5:30 बजे मैं अपनी मीटअप वाली जगह पे पहुंच गया, और अंदर जाते ही मैं उन बंदों से मिला जो कि वहां पे आए हुए थे, उसके बाद उनसे इंटरेक्शन किया, और इसी तरह बंदे आते गए आते गए, और तकरीबन 6 बजे तक हमारे पास काफ़ी बंदे आ चुके थे। ले जी, टाइम तकरीबन 6 हो रहा है, और बंदे देखे हमारे पास कितने आ चुके हुए हैं। ये टेबल हमारा सारा भर चुका हुआ है। ले जी, सारे आ चुके हुए हैं, और इस टेबल पे भी हमारे पास बंदे हैं, 4 इधर बंदे हैं, और हमारे पास यहाँ पे भी बंदे बैठ रहे हैं। तो इन लोगों ने जितना मुझे प्यार दिखाया है, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा इसका मकरूज रहूँगा। तो अब हम इनसे मिलते हैं आगे जाके। इसी तरह और बंदे आते गए, और फिर एंट्री होती है मेरे बड़े भाई की, जो कि एक डॉक्टर भी है और शायर भी है, और शायरी वो बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं। अगर आप लोगों ने उसकी शायरी देखनी है तो जाके इंस्टाग्राम पर देखें, @theRateOfTheDoctorWithPen। और उसके अलावा अगर एक भाई ने भाई को सपोर्ट नहीं करना तो फिर किसने करना है। और जिस तरह बाहर वाला सीन पूरा लोगों से भर गया, तो मैंने सोचा कि मैं एड्रेस करता हूँ अपने फॉलोअर्स को, और फिर किया गया एड्रेस। लोग मुझे पसंद करते हैं, यहाँ पे आए, उन्होंने प्यार दिखाया है, हर एक बंदे का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का मैं हमेशा मकरूज रहूँगा, मैं इतना प्यार आप लोगों से एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था अपने पहले मीटअप पे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर बंदे को प्रॉपर टाइम आज दिया जाएगा, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है। और फिर करना ऐसा हुआ कि बाहर सीन में जगह ख़त्म हो गई, और बंदे भी आ रहे थे, तो उनको हमने बिठाया अंदर वाले हॉल में, और इसके साथ साथ चाय भी तैयार हो चुकी थी, तो चाय भी हमने लगाना शुरू कर दी टेबल्स पे, और उसके साथ चिप्स भी दी गई और पानी भी दिया गया। मेरे ख्याल से मैं पाकिस्तान में पहला कंटेंट क्रिएटर होऊंगा जिसने इतनी इज्जत दी है अपने फॉलोअर्स को, और मेरी ये इज्जत देने की वजह आप लोग ही हैं। आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, तो मैंने आप लोगों को इज्जत लौटाई। मैं कोई बड़ा फन्नेखा नहीं हूँ कि मैंने आप लोगों को इज्जत दी है, मैंने सिर्फ आप लोगों की इज्जत आप लोगों को लौटाई है। और मेरे मीटअप के तकरीबन 4 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि सबसे पहले हर आने वाले बंदे से मिलना, और दूसरा हिस्सा उन्हें चाय और चिप्स वगैरह खिलाना,
और तीसरा हिस्सा ये था कि उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह लेना, जिस बंदे ने मेरे साथ फ़ोटोज़ लेनी हैं, और चौथा हिस्सा उनके साथ इंटरेक्ट करना और उनके कोई भी सवालात हैं किसी भी मुतालिक उनके जवाबात देना। अब हर बंदे से मिलने वाला पार्ट भी हो गया था, खाने पिलाने वाला पार्ट भी हो गया था, तो बहुत से बंदे इंसिस्ट कर रहे थे फ़ोटोज़ के लिए, तो फिर शुरू हुआ फ़ोटो सेशन। ये जी, तो ये भाईजान आया कबूला से, स्पेशल कबूला से है मुझे मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा प्यार इनका और बहुत मोहब्बत इनके लिए, इतना प्यार इन्होंने दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपका हमारा प्यार बना रहेगा इंशाल्लाह। और जब इतने ज़्यादा लोग आपको प्यार दिखाते हैं और आपके साथ फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि भाई हाँ, अब व्लॉगिंग के पैसे पूरे हुए हैं और आप अपने आप को एक सेलिब्रिटी तसव्वुर करते हो, लेकिन बिल्कुल नहीं भाई, औकात में रहना है, अल्लाह ने दी है तो अल्लाह ले भी सकता है। अब लोगों ने मेरे साथ सेल्फीज़ भी ले ली, तो अब रह गया लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और उनके सवालात के जवाब देना। तो बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ। हाँ जी, क्या सवालात हैं जी आपके? कोई भी शुरू कर सकता है। यूट्यूब से रिलेटेड डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते आप? मैं आया हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब आप, पता है, आप बाहर से आते हैं, आपको अजीज़ मिलने आ रहे हैं, घर वाले कहते हैं भाई हमें प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, दोस्तों के पास होते हो, दोस्त कहते हैं भाई हमें टाइम नहीं दे रहे। जिन लोगों को पता है मेरा नया नया निकाह भी हुआ है, तो वो एक फेज़ भी चल रहा है मेरा, तो वाइफ कहती है भाई मुझे टाइम दो। तो इन तमाम मामलों में एक अच्छा व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कैमरा पकड़ के सिर्फ ये ज़रूर दिखा सकता हूँ, हाँ मैं इधर आया हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये ज़रूर बन सकता है, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता, वो मेरा शौक नहीं है। आप अमूमन अपनी वीडियो बनाने के बाद ना वॉइस ओवर करते हैं, तो उसकी स्क्रिप्ट लिखने में आपको कितना टाइम लग जाता है? यार स्क्रिप्ट का जो सीन है, मैं स्क्रिप्ट लिखता इस तरह नहीं हूँ। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरे जहन में स्क्रिप्ट चल रहा होता है, मैंने इस तरह लेके चलना है। जैसे ही मैं शूट कर रहा होता हूँ, मेरे जहन में होता है कि ये लाइन बोली जाएगी। अब उसे मैं जब वीडियो बनाने लगता हूँ, एडिट करने लगता हूँ, तो उसे मैं गो थ्रू ज़रूर कर लेता हूँ कि इसे मैं परफेक्ट स्ट्रक्चर में रखूँ और परफेक्ट इसे अपने साथ में रखूँ, बस उसके अलावा स्क्रिप्टिंग नहीं है मेरे पास। यूट्यूब से एक आम यूट्यूबर का खर्चा पूरा हो सकता है और फेसबुक से भी? मेरे यूट्यूब पर इतने व्यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने पिछले सालों में ना 2-3 सालों में $187 बनाए हैं, 36-37 हज़ार रुपये महीने का, 1000 रुपये भी नहीं बनता। ठीक है, तो यूट्यूब इज अ नो गो। तो मुआज वाला काम नहीं होता, आप 3-4 आल्टो नहीं निकाल सकते? नहीं, मैं नहीं निकाल सकता मुआज वाला काम, वो झूठ बोलते हैं। नहीं, उसके व्यूज आते हैं, वो ले सकता होगा। लेकिन सर आपके रिसेंट व्लॉग मैंने सारे देखे हैं, उसमें मेरा ख्याल है इससे ज्यादा नफीस ऑडियंस मैंने देखी नहीं। नहीं देखिए, शुक्रिया। अगर मैं खुद गालियाँ यूज़ नहीं करता अपने व्लॉग्स में, या फिर उस तरह की लैंग्वेज या उस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं है, तो मेरा ख्याल है फिर ऑडियंस भी इसी से गुरेज करती है। नहीं, बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, उनको भी गालियाँ पड़ रही होती हैं उनके यूट्यूब चैनल पे, वीडियोस पे। सर बस ये अल्लाह की देन कह सकते हैं, या फिर मेरे फैंस या फिर चाहने वालों का अच्छा होना कह सकते हैं। साहब भाई, आप जब कनाडा से वापस आ रहे थे, मैंने आपका व्लॉग देखा था, आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्नीकर थे, एयर जॉर्डन थे, आप सारे नहीं ले गए, आपने कहा कुछ मैंने उधर छोड़ दिए, तो मैं वो भी सोच रहा हूँ यार अपने सारे, ठीक है आपके तो बहुत क्लोज है, आपको बहुत पसंद है, कौन कैसे छोड़ सकते हैं अपने सारे स्नीकर, आपने इनका क्या किया वहाँ? मेरे वहाँ पड़े हुए हैं। हाँ पड़े हुए, मेरे कई कमरे के बेड के नीचे हैं, कई मेरी अलमारी के अंदर हैं, कोई मेरे दोस्त के पास है। आप इधर आए जी, तो शर्ट के पीछे क्या राज है? मतलब आपके अक्सर मैंने ना आपको यही शर्ट पहने देखा है, खास कहना चाह रहा गरीब बंदा है ये। नहीं, ये तो सबको पता है ना कि कपड़ों की पंडे हैं आपके पास, लेकिन इस शर्ट के पीछे क्या राज है? बस ये पसंद आई थी, ली थी हमने, और किसी ने इसे हाथ भी लगा लिया तो ज्यादा प्यारी लग रही है। मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए उठा तो मुझे लोगों ने फिर घेर लिया सेल्फीज लेने के लिए, और नए आने वाले लोग मेरे साथ सेल्फीज लेना चाह रहे थे, तो दोबारा उनके साथ फोटो सेशन किया गया। ले जी, अब हम आधी आवाम हमारी जा चुकी हुई है, लेकिन बाकी पीछे फिर भी काफ़ी सारी आवाम है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और आप लोग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे और आप लोगों के लिए हम आप लोगों की मदद करते रहेंगे।
और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और उसके अलावा अगर आप लोग के कोई भी सवाल रह गए हैं तो आप लोग मुझे आकर टैग कर सकते हैं, और टैग करने के बाद आप लोगों को मैं हर एक बंदे को जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। अब मौसम खराब हो रहा है, मुझे निकलना है वापस पाकपतन के लिए, तो तकरीबन 3-4 घंटे का सफर है। तो आज तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, जिसको चाय वगैरह नहीं मिली तो मुझे बता सकता है, और सेल्फी जिसने लेनी है वो ले सकते हैं, मैं तकरीबन 5-10 मिनट इधर और हूं। और इसी तरह हमारा एक छोटा सा इवेंट अपने अख्ताम को पहुंचा। और रही बात कि कितने बंदे आए थे, तो मेरे बिल के मुताबिक तकरीबन 149 चाय के कप गए थे, और उसके अलावा कई लोग ऐसे थे जो लेट आए थे, उनको चाय नहीं मिली थी, तो उनसे माजरा, जिनको चाय नहीं मिली, तो तकरीबन 150 प्लस बंदा आया था, और मैं इतनी इज्जत डिज़र्व नहीं करता था जितनी इज्जत आप लोगों ने मुझे दी है। और मेरा पहला मीटअप वॉज एन एब्सोल्यूट सक्सेस, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो जो बंदा आया है, और जो जो बंदा आया था और मेरी वीडियो देख रहा है, ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, ताकि आप लोगों को मैं हर एक बंदे के सामने आप लोगों का शुक्रिया कर सकूं कि आप लोग मेरे मीटअप पे आए हैं, और मुझे इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो जो बंदा मेरे मीटअप पे आया था, मुझे हर उस बंदे से इस वीडियो पे शेयर चाहिए और कमेंट भी चाहिए। और उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मैं इंस्टाग्राम है @saad.m786। और उसके अलावा मुझे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे भी, और मुझे फॉलो करें फेसबुक पे भी। और उसके अलावा हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।